हाय फ्रेंड्स, दिस इज राधिका देशपांडेज हैंड राइटिंग क्लास। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी मराठी वर्णमाला का ध। घ और ध ये अक्षर सीखने के लिए हमें हमारे हैंड राइटिंग की एक्सरसाइज फिक्स करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने हैंड राइटिंग की साइज फिक्स कर ली है और इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। थ्री लाइन कॉपी में प्रैक्टिस करो या टू लाइन कॉपी में, ये बीच वाली लाइन को आप ड्रॉ करके रखना है प्रैक्टिस के लिए। अब करना क्या है कि पहले लाइन से आपको इस तरह से एक छोटा सा हाफ सर्कल करना है, ये छोटा कीजिए, और फिर दूसरा वाला थोड़ा बड़ा कीजिए, और फिर यहाँ टच मत करना, यहाँ थोड़ी स्पेस रखना है। अब ये लेवल में आना चाहिए, ये लेवल में आना चाहिए, और फिर जहां से हमने शुरू किया वहां तक हाफ सर्कल कंप्लीट करके हमें इस तरह से आगे सीधा जाना है। फिर हाथ उठाइए और दूसरी लाइन लिख लिया है, और अब इसी तरह हम सीखने जा रहे हैं ध। ध सीखने के लिए सर्कल करेंगे, हाफ सर्कल करेंगे। पहले एक सुंदर सा सर्कल कीजिए पहली लाइन पे टच करते हुए, फिर दूसरा सर्कल कीजिए, हाफ सर्कल कीजिए, ये इससे थोड़ा बड़ा कीजिए दूसरा वाला, यहाँ टच मत करना और ये लेवल में करना है। अब यहाँ तक आने के बाद, ये लेवल में आने के बाद इसे सीधा यहाँ लेके जाइए। फिर आपको फिर से हाथ उठाकर एक लाइन करनी है, खड़ी लाइन करनी है, वर्टिकल लाइन करने के बाद आप इसके ऊपर शिरोरेखा दे देंगे। ये आपका हो गया घ और ध। ये ऐसा एक छोटा एक बड़ा नहीं करना है, बहुत बड़ा, या ये पहला वाला बड़ा दूसरा छोटा नहीं करना है, ये आगे पीछे भी नहीं करना है, इस तरह से भी नहीं करना है, सिर्फ सीधा ऊपर जाके नीचे नहीं आना है, हाथ उठाना है फिर लाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर ग्राफ बुक में प्रैक्टिस करते हैं तो ग्राफ बुक में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। कैसे? तो ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें आप हाफ सर्कल कीजिए, यहाँ से शुरू किया यहाँ खत्म हो गया, फिर दूसरा थोड़ा बड़ा कीजिए और नीचे टच ना कीजिए, यहाँ आने के बाद सीधा यहाँ पर गए हम, ये बहुत ही स्मूथली होना चाहिए, और फिर यहाँ हाथ अध के लिए करना क्या है, तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल कीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा सुंदर सा सर्कल कीजिए पहली लाइन पे, फिर यह हाफ सर्कल, ये दूसरा हाफ सर्कल, यहाँ से सीधी लाइन, हाथ उठाइए, खड़ी लाइन कीजिए और कवरिंग लाइन कीजिए। देखिए ये इधर से भी लेवल में होना जरूरी होता है। तो इस तरह से घ और ध बहुत ही सुंदर मोतियों के जैसे हम अक्षर निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने घ और ध कैसे लिखना है ये पढ़ा है। अगले वीडियो में हम ग और ङ ये दो अक्षर सीखने वाले हैं। तो ङ और ड ये दो अक्षर सीखने वाले हैं। ये दोनों अक्षर सीखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, तो फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।